रिपोर्ट की, तो स्पेशल रिपोर्ट में आज क्या है? मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री कुसुम सिंह मेहंदेले का जिक्र हम आज कर रहे हैं। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर लोधी समाज को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अपनी जाति संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में एक तिहाई सीट ला सकते थे और अपना मुख्यमंत्री भी बना सकते थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें संगठित होने की जरूरत है और जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए। लेकिन मैं उतनी सीटें नहीं है, मुश्किल से एक आज कैबिनेट मंत्री मिला हमें, आज राज्य मंत्री मिल गए, मेरे ख्याल से कई कैबिनेट मंत्री मिले और चार छह विधायक मिले होंगे, लेकिन हमारी संख्या बल के हिसाब से ये बहुत कम है और उसका कारण है कि हम संगठित नहीं है, बिखरे हुए हैं, तो हमें अपनी ताकत दिखाना चाहिए। बहुत बड़ा बयान ये कुसुम सिंह मेहंदेले का सामने आया है। प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी की ही नेता हैं, बड़े दिनों बाद बोली हैं, लेकिन ऐसा बोली हैं कि हर तरफ चर्चाएं होना स्वाभाविक सी बात है। संजय तिवारी पन्ना से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, क्या इशारा है? और हम संगठित नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री हो सकता था, हमारे लोगों का मुख्यमंत्री हो सकता था, अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रही क्या? जी निश्चित रूप से पुनीत, आपने सच कहा कि बहुत बड़ा बयान दिया है। एक्चुअली में हुआ ये है कि जब से तीन प्रदेशों में जातिगत समीकरण भाजपा ने बिठाया है, राजस्थान में जहां एक और ब्राह्मण चेहरा लेकर मुख्यमंत्री आए हैं और यहां मध्य प्रदेश में यादव चेहरा लेकर आए हैं, तो कुसुम सिंह मेहंदेले का ये कहना था कि जातियों के आधार मुख्यमंत्री बनता है, तो लोधी समाज के जो लोग हैं, लोधी समाज की जो जनसंख्या बल है वह मध्य प्रदेश में एक तिहाई है और यदि हमें टिकट दिए जाते तो वो एक तिहाई विधायकों के साथ में जीत कर आती। कहने का मतलब यह था उनका, सीधी सीधी बात यह है, जातिगत जो राज हो रही है के आधार पे ठीक है। और बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस और बीजेपी से भी हमारे साथ दो लोग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अभिनव बरौलिया साहब जुड़े हुए हैं और साथ में अजय सिंह यादव साहब जुड़े हुए हैं। दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले अजय सिंह यादव साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये बयान के मायने क्या निकल रहे हैं और क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? कुसुम सिंह मेहंदेले साइड लाइन तो नहीं थी जिसकी वजह से उनको ये बयान देना पड़ गया? देखिए, कुसुम सिंह मेहंदेले जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, लंबे समय तक विधायक रही है, मंत्री रही है और आज भी पार्टी में उनको सम्मान के साथ अवसर दिया जाता है। अब विधायक मंत्री के अलावा प्रत्येक व्यक्ति के अपने सामाजिक दायित्व भी होते हैं, वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं अपने समाज के कार्यक्रम में बोल रही हैं और समाज के कार्यक्रम में उत्थान के लिए किस तरह की दिशा नीति हो सकती है वो बात करना एक न्यायोचित बात दिखाई देती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके समाज से मध्य प्रदेश में उमा भारती जी रही हूँ, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी जैसे बड़े नेता रहे जिन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सदैव सभी समाजों को अवसर दिया, कुसुम मेहंदेले जी के समाज को भी अवसर दिया और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में आगे भी अवसर मिलते रहेंगे। ये उनका सामाजिक कार्यक्रम व्यक्तिगत राय है और समाज के कार्यक्रम में इस तरह की बात होना एक सहज प्रक्रिया है। आप इसे सहज बता रहे हैं, कांग्रेस कैसे ले रही है? कांग्रेस से समझ लेते हैं क्योंकि कुसुम मेहंदेले कह रहे हैं कि सीधे सीधे उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अजय जी कि हमारा मुख्यमंत्री हो सकता था, हमारा मुख्यमंत्री का मायना क्या है आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन शायद मजबूरियां रहती हैं। बरौलिया साहब क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थिति निर्मित हो रही है लगातार मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, पूरा एक जो धड़ा है, कितने गुटों में भारतीय जनता पार्टी, वीडी शर्मा जी हो खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष, तो ये गुटों में बटा हुआ और कुसुम मेहंदेले जी की तरह ही कई लोगों ने ऐसे लगातार इन 7-8 महीनों में जब से सरकार बनी है बयानबाजी की है। जनता की चिंता नहीं है, जनता के मुद्दों पर कोई बयानबाजी नहीं करता है कि बेरोजगारी महंगाई क्या है, लेकिन सरकार की जो सरकार में रहने की जो चाहत है वो सब दर्शाते हैं। तो ये बताता है कि पूरे तरीके से, एक तो ये बयान से ये दिख रहा है कि
महदेले जी दुखी हैं अपनी पार्टी के निर्णयों से या जो भी है, तो ये उनका आंतरिक मामला है और ये अभी धीरे धीरे आपको और स्पष्टता से दिखेगा जैसे जैसे आगे राजनीति जाएगी, आगे सरकार जाएगी इनकी, आपको ये धड़ों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी लगातार दिखेगी। अद्भुत तरीके से आपने व्याख्या की और बड़ी सधी हुई व्याख्या आप कर गए। चलिए बहुत शुक्रिया अभिनव जी और अजय जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और साथ में हमारे सहयोगी जुड़े थे संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबर इंदौर से है जहां पर आकाश विजयवर्गीय